कोटि कोटि आपन हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नवकी छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा उसे हिमालय? कौन कह रहा उसे हिमालय? वह तो हिमावृत ज्वाला गिरी अणुअण कण कण गब्वर कंदर गुंजित ध्वंत कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिर गब्वर शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुतन दीपित शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुक्ति भर। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आगले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आगले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निशिनिश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती। लहर लहर तक ज्वाल लपटपन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती। जिसका कुछ उष्ठिष्ट मात्र पर बर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित कपिल काव्य और जैमिल की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन विशद विवेचन प्रत्यालोचन ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी अमर राग है, अमर राग है।